वेलकम। थैंक यू वेरी मच। ये कपड़े तुम पर बहुत अच्छे लग रहे हैं। तुम इनमें बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू वेरी मच। तुम भी अच्छे लग रहे हो। थैंक यू। का नंबर क्या है? ऊपर वाला आप दोनों को हमेशा साथ रखे, ज्यादा जरूरी यही है। ये बहुत ही मामूली शब्द लगते होंगे, पर ये मामूली नहीं है। मुझे उम्मीद है आप लोग हमेशा अपने बच्चे के साथ रहेंगे। मैं अच्छे से जानता हूं कि बिना माँ के होना क्या होता है। ऊपर वाला हमेशा आपके बच्चे को आप दोनों के साये में रखे, उसके पिता हमेशा उसकी रक्षा करें और उसकी माँ के हाथ हमेशा उसके साथ रहें, उसे प्यार से गले लगाने के लिए। आप तीनों खुश रहें, यही मेरी दुआ है। ये मीटिंग मेरे लिए बहुत जरूरी थी। मैं उस बारे में बात करना चाहता हूं जिससे हम दोनों की जिंदगी जुड़ी हुई है। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। इसे क्या कहूंगी मैं? ये सुनने के बाद तुम जो चाहे वो कह सकती हो। मुझे पता है हमने समझौता किया था, पर नारिन, वो जरा मुझे टॉयलेट जाना है, वापस आकर बात कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, मैं इंतजार करता हूं।
जल्दी आने के लिए शुक्रिया, मुझे बहुत भूख लगी थी। ये क्या तुमने पिज्जा ऑर्डर किया? चलो अंदर। ये लो, चेंज रख लेना तुम्हारे पास ही, जाओ। मेरी तो जान ही निकल गई थी, पर इस पागल को समझ में नहीं आता। मैं अपना पता छुपाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, इस एड्रेस पर पिज्जा ऑर्डर करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम मुझे मुसीबत में डालना चाहती हो? पर खाने के लिए कुछ नहीं था, तुम चाहते हो मैं भूख से मर जाऊं? तुम एक बिल्ली जैसी हो, तुम्हारी 9 जिंदगी है, तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा नहीं होता तो तुम कब की मर जाती। मेरी माँ भी इसी तरह से गुस्सा करती थी। मर गई, वो मर गई। काश मेरी माँ जिंदा होती। देखो तुम जो कर रही हो उससे तुम्हारे भाई को तकलीफ होगी। मैं तुम्हारी कोई कहानी नहीं सुनना चाहती, ठीक है? तुम यहाँ पर क्यों आई हो या क्या चाहिए तुम्हें? मेरा भाई तुम्हें यहाँ अपना प्यार जाहिर करने के लिए लाया है। वो चाहता है कि तुम्हारी ये झूठी शादी असली में बदल जाए। वो तुमसे यही चाहता है और वो हियरिंग के बाद यही रुकने कहेगा। हाँ मैं जानती हूँ। तो तुम क्या कहोगी? वैसे तुम्हें पता तो है ही। देखो अगर तुमने हाँ कह दिया तो तुम्हें पता है मेरे भाई के साथ क्या होगा। मेरे भाई को हम दोनों के बीच से एक को चुनना होगा और फिर मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। मैं उसकी जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, उसके घर से और उसके जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाऊंगी, और उसकी वजह सिर्फ तुम होगी। ओया ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए। अगर तुम मुझे एक मौका दे दो तो। एक मौका? कैसा मौका? हाँ मैं तुम्हारा दर्द समझती हूँ, पर तुम जिस इंसान के लिए दुखी हो रही हो, अपने भाई को परेशान कर रही हो, मेरा यकीन मानो वो वैसा नहीं था। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है एरहान। चुप रहो, तुम उसका नाम भी मत लेना। तुम मेरा दर्द समझती हो? हाँ तुम कुछ नहीं समझती। जिस आदमी से मुझे प्यार हुआ था, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन वो मर गया है, वो मर चुका है, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से। और तुम कह रही हो कि मैं तुम्हें मौका दूं? ओया देखो, वो तुमसे प्यार नहीं करता था, वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था। नहीं नहीं, उसने तुम्हें जो मैसेज भेजे थे मैंने वो सब पढ़े हैं। वो मुझसे प्यार करता था, हमारी एक नई शुरुआत होने वाली थी, और नारिन अगर वो नहीं मरता तो हम दोनों बहुत खुश रहने वाले थे।
लेकिन तुम एक बहुत बुरी इंसान हो। मैं तुम्हें अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी, समझी तुम? ओया प्लीज मुझे हाथ मत लगाना, मेरे परिवार में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। सुनो, हियरिंग बस एक हफ्ते के बाद ही है, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। फिर तुम हमेशा के लिए हमसे दूर चली जाना और दोबारा शक्ल मत दिखाना। तुम्हारा भाई वो बहुत दुखी होगा। उसके पास मसल और मैं हूँ, वो खुद को संभाल लेगा। चाहे वो तुमसे कुछ भी कहे, लेकिन तुम्हें उसे किसी भी तरह की उम्मीद नहीं देनी है, समझी? समझी ना? ये बहुत ही अच्छा था, मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई। ये मेरे लिए बहुत खास तोहफा है, मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। ये एक ऐसी याद है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। ज़ैनब ने इस पूरे तोहफे का ख्याल रखा। रिहान दी, आप ठीक है ना? क्या बात है? सब कुछ ठीक है, वो मुझे बस थोड़ा चक्कर आ रहा था। मैं लेट कर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी, ठीक है? आती हूँ। मैं ठीक हूँ, आपको आने की जरूरत नहीं है, प्लीज। मैं थोड़ी देर आराम करके वापस आ जाती हूँ, चाय के समय तक मैं वापस आ जाऊंगी, ठीक है? ठीक हूँ मैं। Thank you.
रेहान। बेटा क्या? दीदी रेहान अपनी आंखें खोलो, आंखें खोलो प्लीज रेहान। इसके लिए थोड़ा पानी रेहान आंखें खोलो, कोई डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। रेहान क्या हो तुम्हें? हाँ दीदी रेहान अपनी आंखें खोलो प्लीज रेहान, प्लीज रेहान तुम्हें कुछ नहीं होगा ठीक है, कोई जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी पानी लेकर आओ इसके लिए, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी, कोई तुम जाकर जल्दी गाड़ी लेकर आओ जल्दी, कुछ नहीं होगा तुम्हें रेहान, रेहान मेरी आवाज आ रही है तुम्हें, रेहान अपनी आंखें खोलो प्लीज रेहान, प्लीज रेहान, रेहान आंखें खोलो रेहान, ये लो रेहान, कुछ नहीं होगा तुम्हें, हाँ कुछ नहीं होगा रेहान, प्लीज अपनी आंखें खोलो, सफर क्या हुआ रेहान, हे ऊपर वाले इसके और इसके बच्चे की रक्षा करना। मेरा प्लान कामयाब रहा। मैं अपनी खुशियां ओया को दुख देकर हासिल नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। मैं भाई बहन के बीच में नहीं आ सकती, मैं ऐसा नहीं कर सकती। नारिन क्या तुम ठीक हो? मुझे हॉस्पिटल से कॉल आया था, वहाँ पर कुछ इमरजेंसी है, मुझे अभी जाना होगा, माफ करना। ठीक है मैं चलती हूँ। रुको मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं मेरे पास उतना समय नहीं है, मैंने टैक्सी पहले ही बुला लिया है, तुम बिल पे कर देना, मुझे अभी जाना होगा। नहीं करना चाहता, अगर किसी को पता चलता कि हम कहां रह रहे हैं तो दोनों पकड़े जाते। रोना बंद कर दो अब, चलो खाओ ये। ठंडा लगी थी ना, ये लो खाओ सब खत्म करना। सर भाई मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और वो बेहोश हो गई। आप शांत हो जाइए, हम इसे लेकर जा रहे हैं, शांत हो जाइए प्लीज, प्लीज शांत हो जाइए आप।
ठीक हो जाएगा, तुम्हारी बीवी और बच्चा दोनों ठीक होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं, ठीक है? दुआ करो। शांत हो जाओ बेटा। डॉक्टर को बुला लीजिए प्लीज। रेहान, रेहान, क्या आप मुझे सुन सकती हैं? प्लीज अपनी आंखें खोलने की कोशिश कीजिए। मिसेस रेहान, आप बेहोश हो गई थी।
Come on, अब फोन पिकअप करो और बताओ कि वहां हो क्या रहा है। अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, मुझे जानना है कि वहां क्या हो रहा है। कितनी बार कॉल कर लिया, जवाब नहीं दे रहा है, मतलब कोई बुरी खबर होगी। अब उससे छुटकारा मिल ही जाएगा। वो नौकरानी अब बच्चे का सपना ना ही देखे तो अच्छा है, क्योंकि वो ये डिजर्व ही नहीं करती। बड़ी आई मेरे ग्रैंड चाइल्ड को जन्म देने वाली, बेवकूफ कहीं की। क्या हो गया, वहां से कोई खबर आई? आपकी उन लोगों से बात हुई? नहीं, पर मैं ये बात सोच रही थी कि आखिर तुम अपनी प्यारी दीदी के साथ हॉस्पिटल क्यों नहीं गई गुलसुम? हाँ, सच में तुमने उसे अकेला कैसे छोड़ दिया? उन्होंने हमें अभी तक कुछ बताया क्यों नहीं? हाँ, जरूर कुछ बुरा हुआ है। मैं यहाँ इस तरह खड़े खड़े इंतजार नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। रुको बेटा, तुम सब्र रखो, उन्हें अपना काम करने दो, जरूर वो उसका उठने का इंतजार कर रहे होंगे। अगर तुम्हारी प्यारी बहन के साथ कुछ बुरा हुआ तो? हाँ, क्या तुम्हें उसके बच्चे की परवाह नहीं है? मुझे दीदी और उनके बच्चे की इसलिए चिंता नहीं है क्योंकि मैं जानती हूँ कि कोई गड़बड़ हुई ही नहीं है। बस इसीलिए घर पर रहकर आपकी नौटंकी देखना चाहती थी आप कैसे रिएक्ट करती हैं। कैसी नौटंकी? तुम ये सब कह क्या रही हो? वो नौटंकी जो आप सबके सामने कर रही है, समझी? एक बात ध्यान से सुन लो, मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है। जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। मेरी आंखों में देखिए तो जरा, इनसे कोई भी चीज बच नहीं सकती। मेरी आंखें बाज की तरह तेज है, समझी? पहले दिन जब आपको प्रेगनेंसी के बारे में पता चला, उस दिन जिस तरह से अपने बैग को कसकर पकड़ा ना, आपके मन की बात समझने के लिए उससे अच्छा और क्या हो सकता था? मॉम, हमारे पास अच्छी खबर है, पर हम वो डैड के सामने ही बताना चाहते हैं। क्या बात है बेटा? चलिए चलते हैं। आपको लगता है कि आप बहुत समझदार हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप जो अपनी जेब में जहर की बोतल छुपा रही थी, वो मैंने देख ली थी। लगा कि आप अपनी छोटी मुस्कुराहट और ममता से सबको बेवकूफ बना लेंगी? इसके लिए तो आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, लेकिन आप मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती।
जानती हैं जहर इस नौटंक की सबसे खास बात नहीं है। जो विटामिन आप हर रोज ले रही थी ना, सबसे खास बात तो वो है। वो तो विटामिन थी ही नहीं, ये वो दवाई है जो आपने रेहान के लिए तैयार करवाई थी और आपने लगभग उसे रोज पिया है। आपको जरूर उससे फायदा हुआ होगा। नामुमकिन, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि मैंने वो लिक्विड की बॉटल बदल दी थी। नहीं, तुम मुझसे झूठ कह रही हो। लगता है आपने अभी तक अपना चेहरा नहीं देखा। ये धब्बे दिख रहे हैं आपको? मुझे तो लगता है ये उसी दवाई का असर है। देखिए, वो दवाई अपना काम कर रही है बहुत अच्छे से। अगर आपको मुझ पर यकीन नहीं है तो कोई बात नहीं, मत कीजिए यकीन। जब अपने पोते को हाथ में लेंगी ना, तब यकीन होगा।
मेरी वाइफ कैसी है डॉक्टर? क्या वो ठीक है? मिसेस रेहान बिल्कुल ठीक है, परेशान मत होइए, उन्हें ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई थी और कुछ नहीं। ओके, और बच्चे का क्या? हाँ वो भी बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत कीजिए। शुक्र है ऊपर वाले का, शुक्र है। पर वो बेहोश कैसे हो गई? वो तो बिल्कुल ठीक थी, कोई गड़बड़ नहीं थी। कभी कभी ऐसी अनचाही चीजें हो जाती है मिस्टर रेमर, जैसा कि मैंने कहा था कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। मिसेस रेहान को तनाव से दूर रखना होगा, जो कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए बहुत जरूरी है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ? जरूर, बस एक बात का ध्यान रखिएगा, उन्हें परेशान मत करिएगा। तुमने मुझे डरा ही दिया था। पर अब तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम दोनों, तुम और हमारा बच्चा। मुझे लगता है कि माता पिता बनने की ओर हमने पहला कदम उठा लिया है। आप अपने बच्चे के लिए इतने परेशान हो जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, और आपने उसके लिए दुआ भी मांगी। जिंदगी में हमारे साथ जो कुछ भी हो रहा है ना, हम अपनी किस्मत को जी रहे हैं, अच्छी और बुरी दोनों। तुम्हें क्या लगता है कि कौन हो? दखल देने वाली एक सड़क की भिखारी? तुमने जो किया है तुम्हें इसके लिए पछताना होगा। मैं कुछ ऐसा करूंगी कि तुम दोबारा उसी सड़क पर रहकर भीख मांगने लगोगी। सुन रही हो ना तुम? मैं ऐसा करके रहूंगी। आराम से, आपने जो किया है उस बारे में भूलिए मत। अगर आपने मुझे और रेहान दीदी को चोट पहुंचाने की कोशिश की ना, तो सबको सच्चाई बता दूंगी। मेरे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे तो सड़क पे रहने की आदत है। पर आपका क्या? आप तो जावेदान तारून है ना? अगर मैंने आपके बारे में बता दिया तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, अपनी सारी इज्जत भी खो देंगी, और मेरी तरह आपको भी जेल जाना पड़ेगा। आपको भी कचरे के डिब्बे में से खाना ढूंढना पड़ेगा। आज के बाद अपना हर कदम ध्यान से रखना, क्योंकि मेरी नजर आप पर ही है। मैं रेहान दीदी की तरह आप पर दया नहीं दिखाऊंगी। और आप जानती हैं मैं उनकी तरह नहीं हूं, अगर आप कुछ भी किया ना तो आपको बर्बाद कर दूंगी। हाँ, और वैसे भी अगर आपको लगता है मैंने खुद को और रेहान दीदी को बचाने के लिए कुछ उपाय नहीं सोचा है, तो आप मेरी सोच से भी ज्यादा बड़ी बेवकूफ हैं।
ये कैसे हो सकता है?